आप सभी दर्शकों का मैं रवि मोहन कहानी और किरदार के इस अंक में स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कहानी सॉरी अरे माफ कीजिएगा कहानी का नाम ही सॉरी है और इस कहानी को लिखा है प्रियंका ओम जी ने। तो आइए अब प्रस्तुत करता हूं आपके सामने कहानी सॉरी। वो दोनों सफेद चादर वाले एक ही बिस्तर के दो अलग अलग छोर पर करवट बदल रहे थे। उनके करवट बदलने और तड़पने में कोई खास फर्क नहीं था। ये तड़पना पानी से बाहर मछली के छटपटाने जैसा ही था। लड़के ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा कर अपने सिर के नीचे रखा हुआ है। वो दोनों हाथों को ना तो अलग करना चाहता है ना ही अपना सर हटाना चाहता है। फिर इन हाथों से कोई गुस्ताखी हो और इल्जाम उसके सर आए। लड़की लेटी है आंखें बंद किए किसी खास मुद्रा में नहीं बस लेटी है जैसे आम तौर पर अपने ही ख्यालों में खोए हुए लोग लेटे होते हैं और उसके ख्यालों में वो लड़का है। वो लड़का जो मन के तो बहुत पास है लेकिन तन से दूर इतना ही दूर कि हाथ बढ़ाकर छुआ जा सके और इतना ही पास कि उसकी छटपटाहट को अपने भीतर महसूस किया जा सके। लड़की इस लड़के से बहुत प्यार करती है इतना कि अपनी जान भी दे सकती है और उसके लिए किसी और की जान ले भी सकती है लेकिन अभी वो उससे बात भी नहीं करना चाहती है क्योंकि वो अभी गुस्से में है और जब तक वो सॉरी नहीं कहेगा उसे मनाएगा नहीं उसका गुस्सा शांत नहीं होगा और ना ही वो मानेगी। लड़की को गुस्सा आता भी बहुत है। गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पर होता है और जल्दी शांत भी नहीं होती। उसका गुस्सा बहुत टिकाऊ है कई दिन लग जाते हैं जबकि लड़के का गुस्सा जल्दी शांत हो जाता है और हमेशा झुकता भी वो ही है लेकिन आज वो सॉरी नहीं कहना चाहता। क्यों कहे आखिर वो पुरुष है अहम उसका आभूषण है बार बार वो ही क्यों झुके। लड़के के मन से आवाज आई प्रेम में अहम का क्या काम। लड़के ने फौरन जवाब दिया वो भी तो प्रेम में है और क्या हमेशा मेरी गलती होती है जो हमेशा मैं ही सॉरी कहूं। मन ने चुप्पी ओढ़ ली। लड़की आंखें बंद किए ही करवट बदलती है। अब उसका चेहरा लड़के की ओर है वो सोने का उपक्रम कर रही है। लड़का जो अब तक छत की ओर देख रहा था अब लड़की की ओर मुड़ता है। लड़की की आंखें बंद है। लड़का सोचता है सोते हुए कितनी प्यारी लगती है बिल्कुल बच्चों सी मासूम निश्चल और बच्चों सा ही गुस्सा इसकी नाक पर रहता है। लड़की की मासूमियत पे लड़के को प्यार आता है। वो उसके नाक की बाइट लेना चाहता है। वो उसके गुस्से को भी खा जाना चाहता है जिसने उन दोनों के बीच ये दूरियां बना दी हैं। वो उसकी जुबान की भी बाइट लेना चाहता है जिससे वो बहुत बोलती है। बाइट लेने के ख्याल से ही उसे अपने अंदर सिरहन का एहसास होता है। वो लड़की को अपनी बाहों में समेट लेना चाहता है। वो उसके पास जाना चाहता है बिना सॉरी कहे लेकिन एक तो बिना सॉरी सुने लड़की मानेगी नहीं
दूसरे उसे सुनाएगी अलग से कि तुम्हारे लिए प्यार का मतलब शरीर है। कितनी बुद्धू है भाई, शरीर भी तो उसी का है। लड़का इस आक्षेप के डर से डर जाता है और उस बहस से भी जिसमें हमेशा ही वो हारता है। उससे बहस कौन करे, कभी जीत पाया हूं उससे, सोचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। हमेशा से लड़के को उसकी यही बात अच्छी लगती है। दलीलें देने में माहिर है, इसे तो वो लॉयर होना चाहिए था, लेकिन बिजनेस की धुन है उसके सर पर। उसका कहना है कि एसी के कमरे में रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर लोगों से दलीलें कर उनसे अपनी बात मनवाने का मजा अलग है। वो कहती है, क्या विडंबना है इस दुनिया के अर्थशास्त्र की, पैसे बनाने की मेहनत कोई और करता है और उसे खर्च कैसे किया जाए ये कोई और ही सिखाता है। क्या जिसे पैसे कमाना आता है उसे खर्च करना और बचाना नहीं आता? उसकी इस बात में बहुत दम है। उसकी दलील करने की आदत पर ये हमेशा कहती है कि दूसरे की जेब से पैसे निकाल कर अपना पैसा बनाने की कला दलीलबाजी से आती है। लड़के को फिर हंसी आ जाती है। उसके हंसने के कारण लड़की उसे कनखियों से देख रही है। लड़के के चेहरे पर मुस्कान है। वो सोचती है, ये हंस क्यों रहा है? लेकिन उसकी मुस्कुराहट पर उसे प्यार भी बहुत आता है। मोड़ने के कारण लड़के की चौड़ी पसरी हुई बाह पर अपना सर रखना चाहती है और उसके सीने को अपनी बाहों से घेर लेना चाहती है। फिर उसके अंडर आर्म से आने वाली मर्दानी खुशबू के मादक ख्याल उसे बहकाते हैं। इससे पहले भी वो कई बार बहकी है। तब जब वो नहा के बाथरूम से टॉवल में निकलता है या तब जब वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता है। एक बार तो बाय बोलने के बाद उसे वापस घर के अंदर खींच लाई थी और एक बार आधी रात को उसे नींद से भी जगाया था। लेकिन अभी वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है, नहीं तो वो समझेगा कि अपनी जरूरत है तो बिना सॉरी के ही मान गई। लड़की अपने मन को बहलाने की कोशिश करती है। वो कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाती है लेकिन सिवा अंधेरे के उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। हाँ, खिड़की से छन के मध्यम सी रोशनी दीवार पर लगी एक पेंटिंग पर गिर रही है। वो पेंटिंग पैब्लो पिकासो की एक एरोटिक पेंटिंग है। जब कमरे में आई थी तभी देखा था। बड़े बड़े होटल के कमरे की दीवारों पर ऐसी पेंटिंग्स का होना आम बात है, लेकिन ऐसी पेंटिंग लगे कमरे के बिस्तर का ऐसा दृश्य आम नहीं होता। एक ऐसे ही होटल के सजे धजे कमरे में लड़के ने लड़की से कहा था, तुम मेरे पास आओगी या मैं आऊं? लड़की जैसे इस पहल का इंतजार कर रही थी। रजनीगंधा और गुलाब की खुशबू से भीगे हुए क्वीन साइज के बेड पर कलियों को मसलते हुए एक पल भी नहीं लगा था उसे उसके पास जाने में। आज भी क्वीन साइज का ही बेड है, क्योंकि लड़की का मानना है कि बेड अगर छोटा हो तो देर तक दूर नहीं रहा जा सकता। लेकिन आज तो आधी रात निकल चुकी है और लड़के ने अभी तक कुछ कहा ही नहीं, सॉरी भी नहीं। वो कमरे से लगी बालकनी में आ जाती है क्योंकि उस पेंटिंग का दृश्य उसके दिमाग को उद्वेलित कर रहा है। वो एक विशाल शयनकक्ष का दृश्य है जिसकी दीवारों पर उत्तेजना से भरी हुई आकृति उभरी हुई है। वो शायद महारानी कैथरीन है जिसने बहुत ही भारी भरकम गाउन को अपने हाथों से उठाया हुआ है। गर्दन को थोड़ा मोड़कर वो पीछे देख रही है जबकि मुंह आधा खुला हुआ है और आंखें बंद है और उसके पैरों के पास सोल्जर जैसे कपड़ों में एक पुरुष अपने घुटनों पर बैठा है।
लड़की के बदन में वही जानी पहचानी सिरहन होती है। उसके होठ सूख गए हैं। वो कमरे में वापस आती है, फिर से एक बोतल निकाल कर ठंडा पानी पीती है। उसे लगता है फिलहाल पानी की ठंडक उसके शरीर के ताप के लिए काफी है। लड़की बेड पर आ चुकी है। लड़का उसे मुड़कर देखता है। लड़की की आंखें खुली है, वो उसे देख रही थी और लड़के के देखते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। लड़का कुछ पल रुककर उसे देखता रहता है, फिर चेहरे को घुमा लेता है। इतना अभिमान, क्या मेरा आत्मसम्मान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता? जहां उसका दिल है, लड़के को वहां कुछ दर्द का अनुभव होता है। वो फिर करवट बदल लेता है। अब लड़के की पीठ लड़की के मुंह की तरफ थी। लड़की सोने का उपक्रम नहीं कर रही थी, बल्कि लड़के को देख रही है। उसने ब्लू रंग की पोलो पहनी है। ये वही पोलो है जो लड़की ने उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। ये सब दिल की बातें थी, लेकिन उसके दिमाग की कुछ इंद्रियां अभी भी उस तस्वीर के इर्द गिर्द मंडरा रही थी। उस तस्वीर ने उसके वजूद को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लड़की को लड़के पर प्यार आने लगा था। वो उसके ऊपर चढ़कर चुंबनों की बौछार कर देना चाहती है। उसे बता देना चाहती थी कि वो उससे कितना प्यार करती है, लेकिन फिर वो सोचेगा कि ये मेरी शारीरिक चाह है और कुछ नहीं। सॉरी भी तो बोल सकती थी, लेकिन उसे क्या पता कि ये भी औरतों का सॉरी कहने का ही तरीका है। वो सोचती है शारीरिक चाह के बिना प्रेम अधूरा है, लेकिन उसने सुना है खुद पहल अगर लड़की की तरफ से हो तो उसे अलग तरह की लड़की की संज्ञा दी जाती है। लेकिन उस दिन शाम के वक्त मदर डेयरी के पास रिक्शे में उसने लड़के को किस किया था। लड़का झेप गया था। सब क्या सोचेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है, उसने इतना खुश होते हुए कहा कि लड़का बस उसे देखता रहा। लड़की के चेहरे पर अभी भी उतनी ही खुशी है जितनी तब थी। वो फिर से करवट बदलती है। वैसे तो उसे बहुत नींद आती है, लेकिन आज नींद मानो उससे दूर उस तस्वीर से जा चिपकी है। वास्तव में लड़के की पीठ से चिपकी है, जिस पे उंगलियां फिराने की गरज से लड़की अपना हाथ उठाती है, फिर उसे वापस खींच लेती है। उसे तो आम तौर पर इतनी जल्दी नींद नहीं आती है, लेकिन आज कैसे सो गया? उसे तो आलिंगन बद्ध होकर नींद आती है। आज नींद ना आने के बहाने से ही वो उसे अपनी बाहों में ले लेता। करवट बदल कर लड़का सिर्फ लड़की के बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा है कि 5 घंटे से ज्यादा हो गए हैं उसको चुप हुए। आमतौर पर एक चीज पर 10 टिप्पणियां करती है, लेकिन आज खाना भी चुपचाप ही खाया था। अंदर ही अंदर घुट रही होगी। चुप रहने की आदत जो नहीं है, हालांकि सेल्स के लोगों में ये बहुत ही कॉमन है। क्या पता सो भी गई हो। धीरे से करवट लेने के बहाने से पलटता है, ताकि अगर वो सो गई हो तो जाग ना जाए। उसकी नींद भी इतनी हल्की है कि सुई भी अगर गिर जाए तो जाग जाती है। लड़की मुंह फेर कर सो रही है। असल में सोई नहीं है, बल्कि सोने का प्रयास कर रही है, क्योंकि वो सोने वाली मुद्रा में नहीं है। अगर वो नींद में होती तो आधे से अधिक बिस्तर पर फैल चुकी होती। रोज तो सोने के 1000 बहाने तैयार होते हैं, लेकिन आज बोल नहीं रही तो नींद भी नहीं आ रही। कम से कम सॉरी ही बोल देती तो नींद आ जाती। ऐसे तो बात बात पर सॉरी बोलता है, बहुत छोटी छोटी बात पर।
लेट हो जाता है तब भी, और अगर कुछ सुन नहीं पाता है तब भी, क्या अभी मेरी सॉरी ना सुन पाने के बहाने से सॉरी नहीं बोल सकता? सब कुछ मैं ही बोलूं, आई लव यू भी और सॉरी भी? क्या खुद से पहल ना करने की कोई कसम खाई है? लड़का अब थोड़ा चिढ़ गया है, एक नंबर की नक चढ़ी है। गुस्सा करना तो जैसे उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, और उस पर कॉपीराइट भी उसी का है। पैसे के बारे में इतना सोचती है, सुपर डीलक्स लेने की क्या जरूरत है, सिर्फ सोना ही तो है। अब नहीं सोच रही कि डीलक्स कमरे का पैसा भी बेकार जा रहा है, जाग तो दोनों ही रहे हैं, कितना फिजूल खर्च है। फ्यूचर के बारे में जरा भी नहीं सोचता, महंगे कपड़े और महंगी एक्सेसरीज की बात तो समझ में आती है, लेकिन ये ओवर एक्सपेंसिव कमरे की बात नहीं। वैसे तो दोनों कमरों में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन टैरिफ लगभग डबल था। थोड़े से के लिए इतना ज्यादा खर्च करने की बात समझ में नहीं आती। और एक बात समझ में नहीं आती, उसकी बहस करने की आदत। कितनी बार कहा है कहां और कितना खर्च करना है ये मैं डिसाइड करूंगी, लेकिन बिना बहस के उसे कोई बात समझ में नहीं आती। पहली मुलाकात में तो ऐसा नहीं लगा था। जानता हूं बाकी की औरतों की तरह पैसे बहुत सोच समझ कर खर्च करती है, लेकिन सबके सामने सिखाने की क्या जरूरत है? अलग से भी तो बुलाकर कह सकती थी, पहली मुलाकात में तो ऐसी नहीं लगी थी। दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, उनकी पहली मुलाकात। ब्लैक बूट, ब्लैक जीन्स और ब्लैक पोलो, आंखों पर भी काला चश्मा और कलाई पर नॉर्मल से कुछ ज्यादा बड़ी घड़ी। पिया पिया सुनकर जब वो मुड़ी तो उसने उसे पहली बार देखा था। लड़का किसी सुपर मॉडल जैसा लग रहा था। पिया के लिए बाहरी खूबसूरती बहुत मायने रखती थी, साधारण सा दिखने वाला इंसान उसे बहुत ही साधारण लगता था। उसने पापा से भी कह दिया था कि उसके लिए कोई मॉडल या मॉडल जैसा दिखने वाला लड़का ही तलाश है। तुम पिया हो ना, उसने पूछा। हाँ जी हाँ, कहते हुए वो खड़ी हो गई थी। अर्जुन ने देर से आने के लिए सॉरी कहा था। चलेगा, मैं भी अभी अभी आई हूँ, ट्रैफिक में फंस गई थी। बरिस्ता के उस कॉफी शॉप में सबसे पहले अर्जुन का ध्यान उसके एक और ज्यादा झुके हुए कंधे ने खींचा था। शायद उसके लैपटॉप का वजन उसके शरीर के वजन से ज्यादा था। अर्जुन ने फौरन ही उसे चेयर पर बैठने का इशारा किया और दो कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम ऑर्डर किया। पिया आत्मनिर्भर थी, इतने बड़े महानगर में अकेली ही रहती थी, उसे सहारे की जरूरत कभी नहीं पड़ी, लेकिन उसके लिए अर्जुन का कंसर्न होना उसके दिल को छू गया था। इतने शालीन लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं? एक तो इतना हैंडसम, ऊपर से इतना शालीन, जैसे सोने पर सुहागा। अर्जुन को कॉफी पीते हुए इन्वेस्टमेंट प्लान बताती हुई पिया किसी मासूम बच्चे सी लगी, जो समय से पहले बड़ी हो गई थी। प्लान बताते बताते जब वो पलके झपकाती तो ऐसा लगता मानो कोई बड़ी सी लहर किनारे से टकरा कर वापस समंदर में ही खो गई हो। चट्टान जैसा आत्मविश्वास लिए रुई के फाहे सी नाजुक पिया अर्जुन के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप बन गई थी। दोनों की तलाश वहीं खत्म हो गई थी। वो आई तो थी अर्जुन को उसके कमाए हुए पैसे खर्च करने का तरीका बताने, लेकिन खुद ही खर्च हो गई थी। एक ही बार में बिना सोचे समझे, बिना किसी एडवाइजर की सलाह के अर्जुन ने एक चेक साइन करने के साथ साथ अपनी जिंदगी भी पिया के नाम कर दी। मॉर्निंग टी के लिए कमरे की कॉल बेल बजने से लड़की जागी तो वो लड़के की बाहों में अपने आप को गिरफ्त पाती है। लड़की के उठने से लड़का भी नींद से उठ जाता है। दोनों की नजरें मिलती हैं, दोनों मुस्कुराते हैं। दरवाजा खोलने से पहले लड़का जरा चेहरा उठाकर
और लड़की अपना चेहरा झुकाकर एक दूसरे के होठ चूमते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रियंका ओम जी द्वारा लिखी कहानी सॉरी। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से प्रियंका ओम जी का धन्यवाद करता हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल रासकला मंच को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मिलते हैं कहानी और किरदार के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।